नमस्कार, मैं आरती यादव। और जैसा कि आप सभी को लोगों पता चल चुका होगा कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने फॉर्म जारी कर दिए। आप सभी को लगभग ये भी पता है कि यहाँ पर जो एडमिशन आपका होगा वो 10th और 12th के परसेंटेज के आधार पर आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं, ना ही कोई इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। यहाँ पर लगभग 27 डिप्लोमा कोर्स हैं जो मेरिट बेस आपके भरे जाएंगे। बहुत सारी सीट्स यहाँ पर हैं, इसके बारे में हम पहले भी बता चुकी हूँ, वीडियो बन चुकी है, वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वीडियो होगी जो आपको A to Z जानकारी देगी। इस वीडियो में हमने A to Z जानकारी दी हुई है। बहुत बड़ा बदलाव भी यहाँ पर किया जा चुका है पिछली साल से, तो इस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो को आप सभी स्टूडेंट्स जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लगभग 3000 प्लस बच्चे देख भी चुके कल से, कल ही हमने वीडियो शाम को बनाई हुई थी। आज की वीडियो में हम आपको क्या बताएंगे, तो आज की वीडियो में बहुत ही जानकारी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपका हो सकता है कि फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म के टाइम जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा, ध्यान देना होगा। लिंक यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है, फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, फॉर्म की फ़ीस क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या लगेगी, जो भी डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर कराए जाएंगे उनकी फ़ीस आपसे कितनी मांगी जाएगी एक साल की, और यहाँ पर बाकी की जो भी जानकारी है वो पूरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और साथ ही साथ अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो अब कर लीजिए। आगे की जो भी अपडेट आएगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलेगी, वो भी सटीक जानकारी के साथ, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए जिससे आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाए, इस पर भी वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि फॉर्म की फ़ीस आपसे कितनी ली जाएगी। तो देखो, यहाँ पर फॉर्म की फ़ीस जो आपसे ली जाएगी वो 1500 रुपये लिए जाएंगे। 1500 रुपये में आपके 1000 रुपये जो हैं वो फॉर्म के जो हर साल यहाँ पर लगते हैं, पिछली साल भी 1000 रुपये लगे हुए थे, ले और यहाँ पर जो 500 रुपये जो एक्स्ट्रा आपसे लिए जा रहे हैं ये ऑनलाइन काउंसलिंग। जब आपकी एडमिशन के टाइम जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 500 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन उन्होंने अब की बार क्या किया, ये 500 रुपये ये आवेदन में ही ले लिए। इस पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या करते थे, 1000 रुपये केवल फॉर्म की फ़ीस लगती थी, जब आप काउंसलिंग में भाग लेते थे तभी आपसे 500 रुपये लिए जाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों पर 500 रुपये पहले से ही जमा करा लिए। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा बदलाव इनकी तरफ से हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि कोर्स की फ़ीस यहाँ पर कितनी लगेगी। तो कोर्स की फ़ीस हमने उस वीडियो में भी आपको दिखाई है, पिछली वीडियो में, और यहाँ पर एक बार फिर स्पष्ट कर देते हैं कि कोर्स की फ़ीस आपसे टोटल एक कोर्स की फ़ीस 24,000 रुपये लगेगी प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में यहाँ 24,000 टोटल नहीं है, 24,000 में भी यहाँ पर 19,000 आपकी फ़ीस है, फीस केवल 19,000 है, और यहाँ पर जो 5,000 रुपये आपसे लिए जा रही है सिक्योरिटी फ़ीस है, जो आपकी वापस भी हो जाती है जब आपका कोर्स यहाँ पर हो जाता है, तो ये 5,000 रुपये आपसे वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फीस जो मांगी जा रही है आपसे वो केवल 19,000 रुपये मांगी जा रही है जो डिप्लोमा कोर्स की है। समझ में आया, इतनी बात आपकी क्लियर हुई। दूसरी बात, यहाँ पर एडमिशन कैसे होगा, तो 10th और 12th की परसेंटेज के आधार पर। 10th की माना कि आपकी 70% है, 12th की माना कि 70% है, तो इस प्रकार से दोनों की ऐड करके आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज आपकी यहाँ पर बन रही है, कितनी परसेंटेज पर आपका एडमिशन हो जाएगा, इस पर वीडियो जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। अब चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देते हैं और इसमें फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे पहुंच जाना है, वहां पर ये सर्च करना है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी UPSMFAC। जैसे ही आप ये लिखेंगे गूगल पे पहुंच कर तो आपके सामने पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप किसी अदर वेबसाइट से जानकारी न लें, नहीं तो आप फंस सकते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है। तो इसी वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है पहले नंबर पर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने नया पेज खुल के आएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पर इसकी जो लिंक है फॉर्म भरने की वो एक्टिव हो चुकी है। वेलकम टू उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी कमांड पैरामेडिकल सिलेक्शन प्रोसेस 2023-24 के लिए फॉर्म आए हुए हैं,
और यहाँ पर लिखा है पैरामेडिकल कोर्सेज गवर्नमेंट सेक्टर ओनली। जितनी भी यहाँ पर सीट्स आपकी हैं वो सभी गवर्नमेंट कॉलेजों की है, कोई भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज ऐड नहीं है, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखो आपकी लिंक जो है फॉर्म की वो अप्लाई करने की एक्टिव कर दी गई है, आप क्या करना इसी पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर नया पेज खुल के आएगा जहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी देखने को मिलेगी, इम्पोर्टेंट डेट्स कमिंग सून और जो भी डेट यहाँ पर आएगी फॉर्म भरने के लिए वो यहाँ पर आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके पास कौन कौन से होने चाहिए, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, आपको फॉर्म के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करके रखने हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है कि आपको जो फ़ोटो खिंचवानी है वो रीसेंट की फ़ोटो होनी चाहिए, 1 जून 2023 से पहले का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो जो भी आप खिंचवाएं उस पर आपका नाम डाला होना चाहिए और नाम के साथ साथ उसके नीचे डेट भी डली होनी चाहिए, और डेट कौन सी, जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाई है वही डेट आपकी डली होनी चाहिए। और फ़ोटो जो है वो कम से कम यहाँ पर 10 फ़ोटो आप खिंचवाएं, 10 फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए जो फॉर्म के टाइम भी आपकी काम आ जाएंगी, और यही फ़ोटो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगाओगे वही फ़ोटो आपके एडमिशन के टाइम ही होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप पहले से ही 10 फ़ोटो खिंचवा के रख लें जिस पर नाम आपका डला होना चाहिए, साथ ही साथ आपकी डेट डली होनी चाहिए जिस दिन आप फ़ोटो खिंचवाते हो। इसके बाद आपको आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके हस्ताक्षर जो सिग्नेचर है वो आप अपने अच्छे से कॉपी पे कर लें और स्कैन करके उसमें लगाने होंगे। साथ ही साथ ईमेल आईडी आपकी वही होनी चाहिए जो एक्टिव हो, जो जिस पर कोई मैसेज आए तो आपको पता चल जाए। फ़ोन नंबर वही होना चाहिए जो एक्टिव हो वहाँ पर जो लगाएं। साथ ही साथ मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट होना तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10th और 12th की नंबरों के आधार पर ही आपका यहाँ पर एडमिशन होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपने जरूर लेके जाएं जब आप फॉर्म को भरने के लिए जाएं, ठीक है। तो 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्र जो है, यदि आप ओबीसी हो तो 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। और यदि एससी और एसटी हो तो आपका 3 साल का लगभग चल जाता है, 3 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र अपना जरूर लगाएं, तभी आपको आगे फायदा मिल सकता है कैटेगरी का। यदि आप जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाते तो आपको जनरल के हिसाब से सीट दी जाती है, तो आपको सीट मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। जो एससी एसटी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र जरूर लगाएं, आपकी कम परसेंटेज भी होती है तब भी आपको सीट मिल जाती है, तो जाति प्रमाण पत्र लगाने से बहुत फ़ायदा है। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, यूपी वाले जितने भी बच्चे हैं वो सभी यूपी का निवास प्रमाण पत्र जरूर लगाएं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने पहले से जो फॉर्म के टाइम आपसे मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कहाँ से भरा जाएगा। तो फॉर्म जो आपका है वो वेबसाइट हम आपको दिखा देते हैं, और देखिए यहाँ पर जो आप जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको पासवर्ड और नंबर मिलता है, तो वो पासवर्ड आप अपना बहुत हिसाब से रखें क्योंकि उसी पासवर्ड से आगे काम होगा, उसी से काउंसलिंग आपकी होगी। साथ ही साथ ये पीडीएफ जो आपको है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहाँ पर आप इस पीडीएफ को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसमें पूरी डिटेल दी हुई है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो बायोलॉजी विद आरती, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप दे सकते हो। अब हम आपको वेबसाइट दिखा देते हैं, तो इसकी वेबसाइट जो आपकी है वो यही वेबसाइट है, यहीं पर आपको फॉर्म भरने की डेट दी जाएगी, यहीं पर फॉर्म कैसे कहाँ से भरा जाएगा वो यहीं पर सब आपको जानकारी आगे मिलेगी। इन्होंने लिंक एक्टिव कर दिया लेकिन फॉर्म कैसे कहाँ से भरे ये इन्होंने अभी नहीं दिया हुआ है, तो जैसे ये फॉर्म भरने की लिंक एक्टिव हो जाएगी हम आपको जल्द से जल्द जानकारी देंगे। लेकिन पहले से आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने, इसलिए वीडियो बनाना पहले अति आवश्यक रहा। तो ये फॉर्म के टाइम लगने वाले जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने बताए हुए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रखें, जैसे ही फॉर्म भरना शुरू होंगे हम आपको जानकारी सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, फिर हम आपको कट ऑफ बताएंगे कितनी कट ऑफ इसकी जाती है, आगे की जानकारी आपको
पल पल की जो भी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।